हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपसे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 फरवरी को जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है और उसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज हो चुके हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पेरेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल्स भी कर रहे हैं और हमसे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। किसी पेरेंट्स को फोटो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी पेरेंट्स को सिग्नेचर को लेकर डाउट है, किसी पेरेंट्स को जो एडमिट कार्ड पर आपको जो डिक्लेरेशन फिल करना है उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कोई भी अनऑफिशियल बात नहीं करूंगा, सब कुछ जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से एक हमें फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी गई थी, जो भी क्वेश्चन पेरेंट्स के होते हैं उससे रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, सारे मैं आपके डाउट ऑफिशियल ही फाइल से क्लियर करने वाला हूं। उसके अलावा हम ऑन ऑफिशियल कोई भी बात नहीं करेंगे, जिससे कि जो गलती की कोई भी गुंजाइश ना रही, क्योंकि जो ऑफिशियल जो डेटा है उसी के बेस पर हम बात करेंगे। कोई अनऑफिशियल या थर्ड पार्टी ऐप से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से हम कोई भी डेटा लेकर बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की एक बुकलेट है जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस बार सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उनकी तरफ से ये इशू की गई है। तो जैसा कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड COVID-19 रिलेटेड गाइडलाइंस एडवाइजरी अवेलेबल ऑन द नेशनल NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट ऑन द एडमिट कार्ड। तो जो एडमिट कार्ड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो एडमिट कार्ड के 5 पेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, हालांकि उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज ही है। ये जो कि आपके एडमिट कार्ड है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट है आपका फर्स्ट पेज ही है। अगर आप एडमिट कार्ड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे की तरफ एक पॉइंट है जिसमें ये क्लियर मेंशन है कि जो फर्स्ट पेज है वही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप कोई भी जो फर्स्ट पेज के अलावा कोई भी जो आप पेज है वो अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं। तो जब बच्चा एडमिट कार्ड लेकर जाएगा तो उसका फर्स्ट पेज ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं फर्स्ट में आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं कि एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है वो कैसा लेना है। तो मैं यहाँ आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा थोड़े से पैसे का लालच ना करें, कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पेरेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा सकते हैं वो 10 रुपये या 5 रुपये का जो प्रिंट आउट है वो कलर्ड भी निकलवा सकते हैं। कलर प्रिंट आउट में बच्चे की जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो पिक्चर है और जो कलर पिक्चर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कलर पिक्चर में हम उतना ज्यादा क्लियर देख पाते हैं जितना कि हम ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में नहीं देख पाते हैं। तो मेरा तो हम इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको यही एडवाइस रहेगी कि सबसे पहले तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो कलर ही निकलवाएं। और साथ ही मैं आपको यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड के 2 प्रिंटआउट जरूर निकलवाएं, जो फ्रंट पेज है उसका, बाकी प्रिंट जो इंस्ट्रक्शंस पेजेस हैं उसका आप एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर जो निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं, अगर जो नहीं भी निकलवाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट प्रिंट है, जो फर्स्ट पेज है, उसके 2 प्रिंटआउट कम से कम आपके पास होने चाहिए। और बिल्कुल सेम एज इट इज वही फोटो, फोटो नंबर 2 पर वो आती है। पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास वो फोटो नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आप एडमिट कार्ड से, आप कलर जो एडमिट कार्ड है आपका, जब आप एडमिट कार्ड निकालने जाएंगे तो जो आपके साइबर कैफे वाला है या फिर कोई भी जिससे आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे उनसे उस फोटो को क्रॉप करवा के, एडमिट कार्ड से क्रॉप करवा के उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और उसको फिर फोटोग्राफर से प्रिंट आउट निकलवा के और अपने जो एडमिट कार्ड है उस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो फोटो जो है सेम होनी चाहिए, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको जो फोटो है वो बिल्कुल सेम रखनी है। तो मैं, चलिए, इस जो आपके सामने ये PDF है इसमें ही हम जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ आपको।
आपको पता है कि 7 फरवरी का एग्जामिनेशन है, तो ये सब चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लंबा ना हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 बजे सभी का जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 12:30 बजे तक एग्जाम है। 9th क्लास के लिए ये टाइम जो आपका 10 बजे से 1 बजे होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। सब्जेक्ट में सभी को पता है कि उनका जो पर सब्जेक्ट जो मार्क्स हैं और उनके क्वेश्चन है वो कितने आने वाले हैं, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आप सभी को पता है इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से यथक प्रयास रहते हैं कि आपके आपको छोटी वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जा सके। तो ये आप पढ़ सकते हैं ऊपर, ये सब इस टाइम पढ़ने का कोई अब मतलब नहीं बनता है क्योंकि इन सब का जो टाइम है वो निकल चुका है। जो मेन चीज है कंडक्ट द एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो हम यहाँ पर आज इससे रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, तो उससे पहले जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी जो हम यहाँ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड हमें कहाँ से जो है वो मिलेगा, तो एडमिट कार्ड पर जो हाउ डू आई गेट माई एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से मिलेगा। अगर जो आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, आप बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए, हमारी तरफ से आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके इंडियन डिफेंस एकेडमी की तरफ से दे दिया जाएगा। और नीचे की तरफ आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं, इफ आई डू नॉट गेट माई एडमिट कार्ड हुम शुड आई कॉन्टेक्ट, अगर जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है आपसे तो आप किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी और एक नंबर दे रखा है, हेल्प डेस्क नंबर आपको दे रखा है। इस हेल्प डेस्क नंबर पे हमने कॉल किया था तो लगभग हमें खुद इनके पास कॉल करने उनसे बात करने में लगभग 45 मिनट्स लग गए थे। मैंने खुद यहाँ पर तकरीबन 30 to 50 times मैंने खुद ट्राई किया था तब जाके इनके वहां पर कॉल लगा था और उनसे बात हो पाई थी। तो बार बार कॉल करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 2 दिन लगे थे इनसे बात करने में, जब मैंने एक वीडियो बनाया था आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे लेकर, जो कि डिक्लेरेशन आपको फिल करना था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद हुम कैन आई कॉन्टेक्ट इन केस माई एडमिट कार्ड हैज सम इशू, अगर जो मुझे एडमिट कार्ड से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मैं किससे कॉन्टेक्ट करूंगा, तो सेम नंबर और सेम जो आपका ऊपर ही ईमेल आईडी दी गई थी उसी पर आपको ईमेल या फिर कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। नंबर बहुत मुश्किल में मिलता है, आप नंबर को बार बार ट्राई करें, आपकी बात जरूर होगी। तो वेयर कैन आई गेट द डिटेल ऑफ माई एग्जामिनेशन सेंटर, तो एडमिट कार्ड पर ही सारी जानकारी आपको मिलेगी, आपको कहीं से भी नहीं देखना है कि आपका सेंटर कहाँ बनेगा, एडमिट कार्ड जो आपका है मेन है, एडमिट कार्ड से ही आप सारी जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट है, कैन आई चेंज माई एडमिट माई एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर रिसीविंग एडमिट कार्ड, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है। एम आई रिक्वायर टू फिक्स माई फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड, तो ये मेन पॉइंट है, पेरेंट्स इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है पेरेंट्स को, तो मैं यहाँ पर इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। एडमिट कार्ड कंटेन्स द डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग रिगार्डिंग COVID-19, तो आप एडमिट कार्ड में नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें कि डिक्लेरेशन और जो बच्चे की अंडरटेकिंग है वो वहां पर फिल करनी होगी, साथ में बच्चे को अपना एक फोटोग्राफ जो उस टाइम फिक्स जो बच्चे ने एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिल जब फिल बच्चे ने फॉर्म फिल करवाया होगा या फिर किसी ने किया होगा, तो जो फोटो आपने उस टाइम अपलोड की थी वही फोटो आपको यहाँ पर लगानी है, और साथ में बच्चे का जो लेफ्ट हैंड थम, तो याद रखें कि लेफ्ट हैंड थम इम्प्रेशन बच्चे को यहाँ पर लगाना होगा एट द फुट ऑफ द डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। तो वो नीचे की तरफ है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड का ही एक पार्ट है जो कि एडमिट कार्ड में नीचे डिक्लेरेशन है, वहां पर एक ये आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है, और साथ में आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं कि बच्चे का यहाँ सिग्नेचर भी होने वाला है, और एक पेरेंट्स का सिग्नेचर अंडरटेकिंग पर जो पेरेंट्स का सिग्नेचर भी जरूरी है, तो देख सकते हैं आल्सो गेट द सिग्नेचर ऑफ योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का सिग्नेचर भी जरूरी है। एट द स्पेस प्रोवाइडिंग बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो ये मेन पॉइंट है, पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो साइन है वो कब करने हैं, तो साइन आप बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो स्टेशन जब आप स्टेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको उससे पहले पेरेंट्स के जो सिग्नेचर है वो करवा लेने हैं।
अब प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि बच्चे के जो सिग्नेचर है वो इन्विजिलेटर के सामने करवाएं या फिर खुद करें, तो वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले भी बच्चे से सिग्नेचर करवा सकते हैं या फिर इन्विजिलेटर के सामने, अगर जो इन्विजिलेटर देखेंगे खुद चेक करेंगे तो वो खुद भी सिग्नेचर बच्चे से करवा लेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे का जो सिग्नेचर है वो बच्चे को वैसे तो इन्विजिलेटर के टाइम पर ही करवाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यू विल बी रिक्वायर्ड टू साइन ऑन द एडमिट कार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बच्चे को दो एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट निकाल कर दें, जैसे कि मैं पहले आपको कह चुका हूँ, हो सकता है कि एडमिट कार्ड को जो अंडरटेकिंग फिल करते टाइम या फिर कुछ और फिल करते टाइम, बच्चे का सिग्नेचर करते टाइम या फिर पेरेंट्स के सिग्नेचर करते टाइम प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ गलत सिग्नेचर हो जाए, थंब इम्प्रेशन अच्छे से ना हो पाए, तो वो सब चीजें आप पहले ही उनको दूर करें। अपने बच्चे को दो एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट जरूर दें। तो हम नीचे की तरफ देखते हैं, और वैसे भी जो बच्चे का एडमिट कार्ड है वो सेंटर पर ही रख लिया जाएगा, बच्चे को वो एडमिट कार्ड वापस नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आप भी अपने पास एक एडमिट कार्ड जरूर रखें। और व्हाट व्हाट इज द रिपोर्टिंग टाइम, तो रिपोर्टिंग टाइम आप उसमें देख सकते हैं अपने एडमिट कार्ड में, नीचे टाइमिंग और जो गेट क्लोजिंग का टाइम है वो लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8:30 बजे से पहले, 8:20 पर जो है आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और 9:30 पर जो गेट बंद हो जाएगा, तो इससे आपको 9:30 से पहले ही बच्चे को सेंटर के सामने, मतलब 8:30 बजे से अब वहां पर एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको 8:30 बजे तक अपने बच्चे को सेंटर के सामने पहुंचा देना है, ताकि जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप पहले ही पूछ कर, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वहां पूछ कर, और जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है उनको सुनकर और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबको दूर कर सकें। 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा तो बच्चे को तो उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। कैन आई लीव द हॉल इफ आई कंप्लीट द टेस्ट बिफोर, तो ये पॉसिबल नहीं है, बच्चा पहले नहीं आ सकता, जब टेस्ट पूरा होगा तभी बच्चे को बाहर आने दिया जाएगा। तो अब जो मेन चीज है, सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स हैं इसके बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें क्या क्या लेके जाना है, तो आप ये जो आपके सामने है ये 5 या 6 चीजें जो भी हैं, सिर्फ इसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते। सबसे पहले तो पेन, एक ब्लैक और ब्लू अच्छी क्वालिटी का पेन, बढ़िया क्वालिटी का पेन ले, ब्लैक ले या ब्लू ले, कोई भी ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बॉल पेन ही यूज करेंगे यहाँ। और बच्चे की एक वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है बिस्लेरी की बॉटल या फिर ऐसी कोई बॉटल जो 20 to 15 रुपीज में मिल जाती है आपको, और उसका जो रैपर होता है आप उसको उतार दें तो वो ट्रांसपेरेंट बोतल हो जाएगी, तो आप उसको ले जाकर बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, तो 50 ml का हैंड सैनिटाइजर बच्चे को दें, और एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन, तो बच्चे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सेल्फ डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगा, तो एडमिट कार्ड पर ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन है, आपको कोई अलग से डाउनलोड नहीं करना है। और उसके बाद वैलिड आईडी कार्ड, तो बच्चे के पास एक फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। अब फोटो आईडी कार्ड में बच्चा अपना आधार कार्ड ले जा सकता है, या जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसका उसका जो आई कार्ड है वो लेके जा सकता है, या गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया कोई भी ऐसा कार्ड जो बच्चे को उसके एडमिट कार्ड की डिटेल के साथ मैच करता हो, बच्चा वो आराम से ले जा सकता है, बट उसके ऊपर बच्चे की फोटो होनी जरूरी है। तो ये 5 ही चीज है जो बच्चे को अंदर ले जाने दी जाएगी। साथ में इसके साथ में आपको और बताना चाहूंगा, एक इसमें 2 चीजें मिस हो गई हैं, बच्चे का मास्क और ग्लव्स ये जरूर देके भेजें आप। तो एक पेन बच्चे का, एक जो सैनिटाइजर बॉटल है बच्चे की 50 ml की, और एक वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं, और वैलिड आईडी कार्ड जिसमें कि बच्चे की फोटो जरूर लगी हो, और साथ में बच्चे को आप एक ग्लव्स और उसका जो मास्क है वो जरूर देकर भेजें। तो नेक्स्ट उसमें देख सकते हैं, विल आई बी गिवन फ्रेश मास्क एट द टेस्ट सेंटर, तो यस, तो वहां पर बच्चे को टेस्ट सेंटर पर ए जो मास्क है वो मिल जाएगा, तो बच्चा अपना अपना भी लेके जा सकता है और बच्चे को वहां पर भी मिल जाएगा। तो बच्चे को वहां पे अपना जो मास्क है वो बिल्कुल न्यू मास्क अपने पास रखना है, एक मास्क आप 2-3 मास्क आप एक्स्ट्रा ले जाएं, ताकि बच्चे को वहां पर रिक्वायर्ड हो तो वो आप बच्चे को नया मास्क दे सकें। शुड आई कैरी अ ब्लैंक शीट, तो ये पॉसिबल नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें ये बच्चा अपनी रफ कॉपी नहीं लेके जा सकता है, रफ कोई भी पेजेस नहीं लेके जा सकता है। शुड आई कैरी कैलकुलेटर, ये भी पॉसिबल नहीं है।
तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये ओएमआर सीट पर होने वाला है, और ओएमआर सीट को कैसे भरना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है जो ओएमआर सीट पर ही होता है कई सालों से पिछले, और उसको कैसे भरना है इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप मिस कर गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से वीडियो को देखिए और बच्चे के जो भी डाउट्स हैं उस आंसर शीट को जो सैनिक स्कूल में पिछले साल आई थी उसको आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसी जो ओएमआर सीट पर अभी बच्चे को, जैसे कि आप आज 5 फरवरी है तो बीच में 6 फरवरी है, तो कल आप अपने बच्चे को उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई है। हमने वीडियो तकरीबन 10 से 15 दिन पहले बना दी थी, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी थी तो उनको अभी थोड़ा सा फायदा हो गया होगा क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी होगी उसी ओएमआर सीट पर जो सैनिक स्कूल के जो एग्जामिनेशन में आपको मिलने वाली है। तो ये जैसा कि आप सभी को पता है जो एग्जाम है वो बाइलैंग्वेल होने वाला है। ये भी बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि मुझे एक कॉल आया था, एक पेरेंट्स का कॉल आया था, उन्होंने ये हमें ये बताया कि उनके बच्चे की जो लैंग्वेज है तो वो गलत भर दी गई है। उन्होंने इंग्लिश भरना था पर उन्होंने वहां पर लैंग्वेज हिंदी भर दी है, तो इस टाइम पर कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि जो एडमिट कार्ड है उस पर बच्चे का लिखा, बच्चे को जो ऑप्शनल लैंग्वेज था उसके अंदर इंग्लिश लिखा आ चुका है, तो आप इस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी तसल्ली के लिए जो सैनिक स्कूल सोसाइटी की जो एनटीए की तरफ से जो आपको ईमेल आईडी दी गई है उस पर ईमेल जरूर कीजिए, अगर वहां से कोई रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छा है। वैसे उन्होंने पहले ही बोल दिया था, एनटीए की तरफ से पहले ही हमें ये बता दिया गया था कि बाद में कुछ भी नहीं सुना जाएगा आपको, जो एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो बहुत अच्छे से भरना था। तो अब बच्चे की जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं हो सकती है। साथ में विल द क्वेश्चन पेपर बी बाइलैंग्वल और ओनली इन इंग्लिश फॉर द क्लास 9, तो ये तो आप सभी को पता है कि इंग्लिश में ही आने वाला है 9th क्लास के लिए। 6th क्लास के लिए जो लैंग्वेज बच्चे ने चुनी है उसमें ही आएगा, और जो इंग्लिश जो हमारे 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में ही आएगा। और ये मेन पॉइंट है जब जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप अपना एक जो एडमिट कार्ड है अलग से लेके जाएं, तो ये मेन पॉइंट है। डू आई हैव सरेंडर द एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एट द एग्जाम सेंटर, तो बच्चे को अपना जो एडमिट कार्ड है वो अंदर ही जमा करवाना है। तो यस, यू आर रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर योर एडमिट कार्ड टू इन्विजिलेटर, तो बच्चे को जो अपना एडमिट कार्ड है अंदर ही जमा करवाना होगा, साथ में जो उसकी आंसर बुकलेट है जो ओएमआर सीट है उसको भी बच्चे को अंदर ही जमा करवाना होगा। कैन आई टेक द क्वेश्चन बुकलेट, तो क्वेश्चन बुकलेट बच्चे को मिल जाती है, क्वेश्चन बुकलेट बच्चा बाहर लेकर आ सकता है, बट बच्चे को अपना एडमिट कार्ड और ओएमआर जो सीट है वो अंदर ही जमा करवानी होती है। तो साथ में फोटोग्राफ, एम आई रिक्वायर्ड टू कैरी अ फोटोग्राफ टू फिक्स ऑन द अटेंडेंस रजिस्टर, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बच्चे का जो वहां पर एडमिट कार्ड पर आप फोटो लगाएंगे उसके अलावा बच्चे को कोई फोटो नहीं भी देंगे तो बच्चे का चल जाएगा। साथ में फिर ये भी मेन पॉइंट है आपका, इस बार बहुत सारे पेरेंट्स का मुझे इसके लिए भी कॉल आया था कि जो नेगेटिव मार्किंग इस बार है या नहीं है, तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है नो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, तो गलत आंसर के लिए बच्चे के यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो जो बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो अगर जो किसी क्वेश्चन में फंस जाती हैं तो वो जो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है उसके थ्रू वहां पर आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जो आपका ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा है, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, अगर जो नहीं ठीक होता है तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस चीज को आप ध्यान से करिए, कोई भी क्वेश्चन इस टाइम जो अगर जो बच्चा छोड़ के आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस बार बच्चे जिनको जो जिनकी तैयारी अच्छी है वो अपनी अच्छे से एग्जामिनेशन दें, और अगर जो किसी क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है तो वहां पर आप आंसर जरूर लगा के आए क्योंकि इस बार जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो कैन आई टेक ओएमआर सीट, तो ये पॉसिबल नहीं है, ओएमआर सीट सेंटर के बाहर नहीं आती है क्योंकि वही जो ओएमआर सीट है उसी पर बच्चे ने आंसर देने होते हैं, और वो जो आपके इनविजिलेटर होते हैं उनको आपको जमा करवानी होती है, अंदर देनी होती है। तो ये थे आप सब जो आप पेरेंट्स के जो क्वेश्चन हमें बहुत सारे आते थे। तो इसके अलावा अगर जो आपकी कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, हमारी तरफ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। अगर जो आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, दोनों नंबर हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप दोनों में से किसी को भी सेव करके इंडियन डिफेंस अकेडमी के नाम से और हमारे पास व्हाट्सएप करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही,
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इंडियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।